हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पीक स्टडी के यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा 1857 से जुड़े फैक्ट्स और उसमें लड़ाई के पहले की जो खास बातें थी उसके बारे में। चलिए शुरू करते हैं। 1857 का संग्राम ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ी और अहम घटना थी। इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी और अवध हर स्थान तक फैल गई। क्रांति की शुरुआत तो एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी, लेकिन उस समय का स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में बदल गया, जिससे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। 19वीं सदी के स्टार्टिंग में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का एक बड़े हिस्से पर कब्जा हो चुका था। जैसे ब्रिटिश शासन का भारत पर प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे भारतीय जनता के बीच ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष फैलता गया। प्लासी के युद्ध के 100 साल बाद भी ब्रिटिश राज के दमनकारी और अन्य अन्यायपूर्ण शासन के खिलाफ असंतोष विद्रोह के रूप में भड़कने लगा, जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो इससे पहले देश अलग अलग कई हिस्सों में इसके पहले भी घटनाएं हो चुकी थी हिंसा की, जैसे कि 18वीं सदी के अंत में उत्तरी बंगाल में सन्यासी आंदोलन और बिहार एवं बंगाल में चुनार आंदोलन हो चुका था। 19वीं सदी के मध्य में कई किसान आंदोलन हुए, जिसमें मालाबार और मोपला किसान और बंगाल के मुस्लिम किसानों द्वारा फराइजी आंदोलन इसमें अहम है। विद्रोह के मेन जो कारण थे, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, आइए जानते हैं उनके बारे में डिटेल में। 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण जो था, राजनीतिक कारण, वो गोद नीति, देश प्रथा और हड़प नीति थी। हड़प नीति के तहत क्या करते थे अंग्रेज कि जैसे आपका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है तो आपकी जो भी सल्तनत है उसको वो अपने राज्य में मिला लेते थे। तो ये गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, ये उनके दिमाग की उपज थी और उन्होंने जनरलों भारतीय राज्यों के अंग्रेजी राज्य से मिलाने वाले का कई देश बनाए थे और नए भी नियम बनाए थे। उदाहरण के लिए, किसी राजा के निसंतान होने पर उसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना दिया जाता था। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को झांसी की गद्दी पर नहीं बैठने दिया गया था और उनके राज्य को हड़प लिया गया था। हड़प नीति के तहत ब्रिटिश शासन ने सतारा, नागपुर और झांसी को ब्रिटिश राज्य में मिला दिया। अब अन्य राजाओं को भय सताने लगा कि उनका भी कुछ दिनों बाद यही हाल होगा। तो इसके अलावा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब की पेंशन भी रोक दी गई थी, जिससे भारत में शासक वर्ग में विद्रोह की भावना मजबूत होने लगी थी। इसका आर्थिक कारण जो था 1857 क्रांति का, वो ये था कि भारी टैक्स और राजस्व संग्रहण के कड़े नियम बना दिए थे अंग्रेजों ने, जो कि किसान और जमींदार वर्गों में असंतोष पैदा कर रहा था। इन सब में बहुत से ब्रिटिश सरकार और टैक्स मांग को पूरा करने में असक्षम थे किसान, जो कि उसकी मांगों को पूरा नहीं कर पा रहे थे ब्रिटिश साम्राज्य के, तो वे साहूकारों का कर्ज चुका नहीं पा रहे थे, जिसका अंतफल ये होता था कि उनको अपनी पुश्तैनी जमीन से हाथ धोना पड़ता था। बड़ी संख्या में सिपाहियों का इन किसानों के साथ संबंध था और वो सिपाही जो कि ब्रिटिश के लिए काम करते थे वो भी इससे प्रभावित हुए और इस आंदोलन में जुड़ गए। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद भारतीय बाजार ब्रिटेन और निर्मित उत्पादों से पट गए, मतलब कि पूरा उन्होंने बिजनेस संभाल लिया। ब्रिटेन के जो भी निर्मित उत्पाद थे उन्होंने भारत के बाजार पर पूरा कब्जा कर लिया। इससे भारत का स्थानीय कपड़ा उद्योग खासतौर पर तबाह हो गया। भारत के हस्तशिल्प उद्योग ब्रिटेन के मशीन से बने सस्ते सामानों का मुकाबला नहीं कर पाए। भारत कच्ची सामग्री का सप्लायर और ब्रिटेन में बने सामानों का उपभोक्ता बन गया। जो लोग अपनी आजीविका के लिए शाही संरक्षण पर आश्रित थे सभी बेरोजगार हो गए, इसलिए भी अंग्रेजों के खिलाफ उनमें गुस्सा भरा हुआ था। इसके सैन्य कारण कुछ इस प्रकार थे। भारत में ब्रिटिश सेना में 87% से ज्यादा भारतीय सैनिक ही थे, क्योंकि वो लोग जो सैन्य भर्ती करते थे वो यहीं के लोगों को, इंडियन लोगों को अपनी सेना में भर्ती देते थे। और बट उनमें एक ये रूल था कि जो वो भारतीय सिपाही होते थे यूरोपीय सिपाही के मुकाबले कम वेतन मिलता था। इसके अलावा भारतीय सिपाही को सूबेदार रैंक के ऊपर पदोन्नति नहीं जाती थी, मतलब कि सूबेदार के ऊपर का लेवल कोई भी
नहीं बनेगा अगर वो इंडियन है तो। इसके अलावा भारत साम्राज्य के ब्रिटिश शासन का विस्तार के बाद भारतीय सिपाहियों की स्थिति बुरी तरह प्रभावित हुई। उनको अपने घरों से काफी दूर जाके भी सेवा देनी पड़ती थी और वो खुद को अंग्रेजों से बहुत नीचा समझते थे। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने एक नियम बनाया जिसके मुताबिक सैनिकों को भारत के बाहर भी जाके सेवा देनी पड़ती थी। तो ये सब उनके सामने दिक्कतें आती थी, इसलिए वो सैन्य कारण मतलब कि जो सेना में 87% जो भारतीय सैनिक थे वो भी इस विद्रोह में शामिल हुए। और उस समय का एक तत्कालीन कारण ये भी था कि 1857 के विद्रोह में तत्कालीन कारणों से ये अफवाह थी कि 1853 की राइफल के कारतूस का खोल सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई है। तो आप सब लोगों को पता है कि हिंदुओं में सुअर और हिंदुओं में गाय और मुसलमानों में सुअर जो है अपवित्र माना जाता है, और इस अफवाह से हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोगों की भावना को ठेस पहुंच रही थी। ये राइफलें 1853 के राइफल के जखीरे का हिस्सा थी और इसमें सबसे बड़ा रोल रहा था मंगल पांडे का। 29 मार्च 1857 में मंगल पांडे नाम के एक सैनिक जो कि बैरकपुर छावनी से थे, उन्होंने अपने इस अफसरों का विद्रोह कर दिया, लेकिन ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों ने इस सैनिक विद्रोह को सरलता से वहीं पे छोटे लेवल पे ही निपटा लिया था। बट 34 NI को भंग कर दिया था। 24 अप्रैल को 3 LC परेड में 90 घुड़सवारों को 85 सैनिकों ने नए कारतूस लेने से इनकार कर दिया। मतलब कि यहाँ से एक फुल प्रूफ विद्रोह स्टार्ट हो गया था। आज्ञा की अवहेलना करने के कारण 85 घुड़सवारों को कोर्ट मार्शल द्वारा 5 वर्ष का कारावास दिया गया। खुला विद्रोह 10 मई रविवार को हुआ, सायकाल 5 व 6 बजे के मध्य प्रारंभ हुआ था। इसकी जो सर्वप्रथम टुकड़ी 20 NI के विद्रोह में शुरुआत हुई, इसके बाद 3 LC में भी विद्रोह फैल गया। इन विद्रोहियों ने अपना अधिकारियों के ऊपर गोली चलाई। मंगल पांडे ने हियरसे को गोली मार दी जबकि अफसर बाग की हत्या कर दी गई। मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई और 9 को मेरठ में 85 सैनिकों ने नई राइफल का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया, जिनको 9 साल की जेल की सजा भी सुनाई गई। और इस विद्रोह का प्रसार कहाँ तक और कब तक हुआ वो डिटेल में जानते हैं। इस घटना के बाद मेरठ छावनी में विद्रोह की आग भड़क गई। 9 मई को मेरठ में विद्रोह हुआ। 1857 के संग्राम के शुरुआत का प्रतीक था जो कि ये स्टार्ट हुआ था मेरठ में। मेनली मेरठ में भारतीय सिपाहियों ने ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी और जेल तोड़ दिए। 10 मई को वो दिल्ली के लिए आगे बढ़े। 11 को मेरठ में क्रांतिकारियों ने सैनिकों ने दिल्ली पहुंचकर 12 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया था अपना। और इन सैनिकों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया था। शीघ्र ही विद्रोह लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, बनारस, बिहार और झांसी में भी फैल गया। अंग्रेजों ने पंजाब से सेना बुलाकर सबसे पहले दिल्ली पर अधिकार किया क्योंकि दिल्ली सेंटर है और वहीं से उसका पूरा कंट्रोल होता है पूरे इंडिया का। 21 सितंबर 1857 को दिल्ली पर अंग्रेजों ने पुनः अधिकार कर लिया, परंतु संघर्ष में जॉन निकल्सन मारा गया और लेफ्टिनेंट हडसन को धोखे से बहादुर शाह द्वितीय के 2 पुत्रों मिर्जापुर मिर्जा मुगल और मिर्ज ख्वाजा सुल्तान एवं एक पुत्र मिर्जा अबरुख को गोली मरवा दी गई थी। लखनऊ में विद्रोह की शुरुआत 4 जून 1857 को हुई। यहाँ के क्रांतिकारी सैनिकों द्वारा ब्रिटिश रेजिडेंसी के घेराव के बाद ब्रिटिश रेजिडेंसी हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो गई। हैवलॉक और आउट्रम ने लखनऊ को दबाने का प्रयत्न किया लेकिन वे असफल रहे। आखिर में कैलिन कैंपवेल ने गोरखा रेजिमेंट के सहयोग से मार्च 1858 में शहर पर आधिकारिक अपना अधिकार कर लिया। वैसे ये क्रांति का जो असर था सितंबर तक रहा था और फिर उसके बाद एंड हो गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।